नाउ क्वेश्चन थर्टी थ्री का बी पार्ट देखिए चेक वेदर द रिलेशन एस इज एस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड बाई इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स यहाँ पे इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड बाई किस तरीके से कि ए कॉमा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर में तब आता है जब ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करें और उसमें रूट टू एड कर दें तो ये जो रिजल्टेंट है अगर वो इेशनल नंबर होता है आई रिपीट माई वर्ड्स ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दें उसमें रूट टू एड करें और फिर जो रिजल्टेंट मिले वो अगर इ है तो ये ऑर्डर्ड पेयर आर में होगा सॉरी एस में होगा अदरवाइज वो वहां पर नहीं होगा हमें ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है अगर ए बिलोंग्स टू आर है और ए कॉमा ए आर में हो जाए तो हम उसे कहते हैं कि रिफ्लेक्सिव है मतलब ए का ए के साथ रिलेशन ए कॉमा बी आर में है और बी a ए आर में आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि यह हमारा सिमेट्रिक है ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में आ जाए और हमारा जो ए कॉमा सी है वो भी आर में हो जाए तो हम उसे कहते हैं ट्रांजिटिव और एक और बात आप क्लियर कर लें कि रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए या ऐसा नंबर जिसका कंप्लीट सुकेयर रूट ना मिले वो सब क्या होते हैं वो इेशनल होते हैं आपके तो यहां पर हम फोर रिफ्लेक्सिव इसे सबसे पहले कर रहे हैं फोर रिफ्लेक्सिव यहाँ पे आप समझें कि लेट ए बिलोंग्स टू आर तो ए कौमा ए आर में कब होगा जब ए में से ए को सब्ट्रैक्ट करें और उसमें रूट टू को एड कर दें तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए माइनस ए प्लस रूट टू तो माइनस ए तो जीरो हो गया ये टोटल आ गया रूट टू यानी a- माइनस ए प्लस रूट टू जो है वो रूट टू आ रहा है रिजल्टेंट और रूट टू होता है इरेशनल नंबर यानी यहां तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई विच इज इेशनल नंबर और अगर ये इर नंबर है ना तो ए ए ने कंडीशन को सेटिस्फाई किया है विच इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर यानी सभी उन ए के लिए जो आर के अंदर है ए कॉमा ए टाइप का ऑर्डर्ड पेयर आपका कहां पे होगा एस में होगा क्योंकि जो यहां पर रिलेशन है ना वो आर नहीं है वो एस डिफाइंड है तो एस में है सो एस इज रिफ्लेक्सिव तो जो एस है वो रिफ्लेक्सिव होगा हमारा फोर सिमेट्रिक हम करें तो देखिए सिमेट्रिक वो तब होता है जब आपका सभी के लिए ये कंडीशन हो कि ए कॉमा बी आर में है बी a ए आर में है अगर आप ऐसा भी कोई एक ऑर्डर्ड पेयर निकाल पाए जिसके लिए ये कंडीशन नहीं है तो फिर आप कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है हम लिखते हैं कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस अगर ए कॉमा बी एस में है मतलब ए माइनस बी प्लस रूट टू इज इेशनल नंबर ये इेशनल है तभी ए कॉमा बी एस में हुआ है बट इसका रिवर्स दैट इज बी कॉमा ए बी माइनस ए प्लस रूट टू में नॉट बी इेशनल नंबर हो सकता है कि ये आपका इ रैशनल नंबर ना हो ऐसा भी केस बन सकता है कि जो b माइनस ए प्लस रूट टू है वो इरेशनल नंबर ही ना बने जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर लेट अस अज्यूम दैट कि वन कॉमा रूट टू वन कॉमा रूट टू या आई मस्ट से कि रूट टू कॉमा वन आई मस्ट से रूट टू कॉमा वन बिलोंग्स टू एस विच एम्प्लाइज इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें रूट टू एड कर देंगे तो ये हो गया टू रूट टू माइनस वन विच इज़ इेशनल ये क्या है हमारा irrational है एंड अगर इसके रिवर्स की हम बात करें वन कौमा रूट टू कैसे करते हैं कि वन में से रूट टू को सब्ट्रैक्ट करो और उसमें रूट टू एड कर दो ये हो गया कैंसिल यहाँ बच गया वन आई रिपीट माई वर्ड्स कि हमने रूट टू कॉमा वन लिया तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया कि वो एस में है बट इसका रिवर्स वन कॉमा रूट टू इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया रूट टू एड किया तो वन आ गया विच इज रैशनल ये हमारे पास क्या है रैशनल है आपका सो वन कॉमा रूट टू डज नॉट बिलोंग्स टू एस सो एस इज नॉट सिमेट्रिक तो जो एस है हमारा वो सिमेट्रिक नहीं है अब फोर ट्रांजिटिव इसे करते हैं ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी आर में है बी कॉमा सी आर में है तो ए कॉमा सी यदि आर में हो जाए तो उसे हम ट्रांजिटिव कहते हैं फोर ट्रांजिटिव हम यहां पे लिखते हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आ एस यहां पे एस लिखना है आपको कहीं आर तो नहीं लिख दिया हमने एस ही लिख रहे हैं ठीक है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस मतलब ए माइनस बी प्लस रूट टू इज इेशनल नंबर आई आर मतलब इ नंबर एंड बी कॉमा ए सॉरी बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस और बी कॉमा सी एस में तब होगा बी माइनस सी प्लस रूट टू इज ऑल्सो इेशनल नंबर बट ऐसा जरूरी नहीं है ए माइनस सी प्लस रूट टू मे नॉट बी इर रेशनल ऐसा हो सकता है कि ए माइनस सी जो है वो आपका इ रेशनल ना हो अब जैसे इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लेट्स टेक एन एग्जाम्पल दैट वन कॉमा रूट थ्री वन कॉमा रूट थ्री बिलोंग्स टू एस दैट मीनस हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है one, root मतलब में से root को ट्रैक्ट करिए उसमें रूट टू को एड करिए विच इज इेशनल ये हमारा इेशनल नंबर है और यहीं पे एक और एक, आ, अब रूट थ्री से स्टार्ट होने वाला एंड रूट थ्री कॉमा रूट टू बिलोंग्स टू एस कैसे करते हैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए उसमें रूट टू एड करिए तो बचा रूट थ्री विच इज आल्सो इेशनल नंबर एंड अब यहाँ वन कॉमा रूट टू विच एम्प्लाइज वन कॉमा रूट टू यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे वन कॉमा रूट टू मतलब वन माइनस रूट टू प्लस रूट टू इज इक्वल टू वन विच इज रैशनल ये तो रैशनल आ गया मतलब हम क्या कहेंगे यहां पर कि आपका वन कॉमर रूट टू डज नॉट बिलोंग टू एस सो एस इज नॉट ट्रांजिटिव आप समझ पा रहे हैं यहां पर कि हमने प्रूव कर दिया कि वन कॉमर रूट थ्री एस में है रूट थ्री कॉमर टू एस में है बट जो वन कॉमर रूट टू है वो हमारा एस में नहीं है सो एस इज नॉट ट्रांजेटिव हम कहेंगे कि एस इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक ना ही तो वो सिमेट्रिक है नॉर ट्रांजिटिव ना तो वो आपका सिमेट्रिक है और ना ही वो यहां पर ट्रांजिटिव आ रहा है तो ये कंडीशन थी कि ए में से बी को सब करके रूट टू को अगर ऐड करते हैं तो अगर वो इेशनल आता है तो वो एस में होगा कंडीशन केवल रिफ्लेक्सिव हुई क्योंकि सिमेट्रिक में भी ये कंडीशन नहीं आई और ट्रांसिटिव में भी ये कंडीशन नहीं बनी तो ये रिलेशन केवल आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा